नमस्ते, स्वागत है आपका इंडी गेमर्स पे। तो क्रू वाइल्ड रन का बीटा टेस्टिंग जारी रखते हैं। इस बार टाइम अटैक खेलते हैं। डर्ट गाड़ी लगेगी इसे। मैं अपने आप इसे गाड़ी चुनने का मौका देता हूँ। उसने चुना निसान 370Z गेम ने। तो चालू हो गया ये डर्ट रेस। देखते हैं इस पे कुछ फर्क गिरा है क्या। अरे हैंडलिंग बहुत अच्छी हुई है डर्ट कार की। अच्छी रेस्पॉन्स दे रही है। कंट्रोल में रह रही है। आराम से लेता हूँ ये टर्न। अभी सामने जंप दिख रहा है, देखते हैं क्या होता है इधर। अच्छा नियंत्रण रख रही है गाड़ी अपने आप का। ऑपोजिट स्टीयरिंग एंगल देता हूँ तभी भी गाड़ी बराबर नियंत्रण में आती है। अच्छा काम किया यूबीसॉफ्ट ने डर्ट कार पे, डर्ट कार के हैंडलिंग पे। अरे बाप रे, अरे मुझे लगा वहाँ से रास्ता है, मतलब वो रास्ता चौड़ा है इसलिए मैं उधर से गया। नीचे गिरते गिरते बचा मैं। और एक जंप। बहुत ही अच्छा काम किया यूबीसॉफ्ट ने। अगर शान से आराम से ये डर्ट कार आप चलाएंगे तो कुछ भी एक्सीडेंट्स या साइड में ठोकने की आशंका बहुत ही कम है। और हो गई ये डर्ट रेस, बहुत ही अच्छी थी। यूबीसॉफ्ट ने इस पे कुछ बदलाव करना नहीं चाहिए, ये सलाह मैं दूंगा। इसमें कुछ बदलाव नहीं करना चाहिए डर्ट रेसिंग स्पेक के गाड़ियों पे। लेवल 49 लगेगा। तो भेजते ये पार्ट HQ में। देखते हैं और अभी और क्या कर सकते हैं। मॉन्स्टर एरिना हो गया, PvP करके देखते हैं। प्लेयर वर्सेस प्लेयर गेम ढूंढ रहा है। अरे वाह मिल गया, लॉबी PvP सीरीज पे मौका मिला जाने का। इवेंट सिलेक्ट करता हूँ, सिन सिटी शोडाउन स्प्रिंट रेस। स्ट्रीट रेस गाड़ी लगेगी उसमें। तो यही करते हैं। अरे गेम ने तो ऑटो सिलेक्ट किया। लिटल ईगल स्पीड डोम और सबकी गाड़ियां एक ही है। मतलब सर्किट रेस होगी ये, पर ये स्पीड डोम में है, मतलब नैस्कार ट्रैक में होगी।
कोई लास्ट वेगस में रेस नहीं करना चाहता था शायद। स्पीड रोम, ये कैसा अजीब सा नाम है। सबकी एक तरह गाड़ियां है। चलो करते हैं ये रेस, और मैं बीच में हूँ का तो 8 जन है, 5वें पहुंच गए और अभी छठे हैं। अरे अब तक इन्होंने कुछ क्रैश कोडिंग दिया नहीं है गाड़ियों को तो एटलीस्ट। और तो अभी 5 लैप की रेस है जिसमें 3 चेक पॉइंट है। अरे वाह, सब कैसे पागल जैसे चला रहे हैं। ये लोग भी ऑनलाइन प्लेयर्स थे इसी समय, ये लोग भी हमारे साथ रेस कर रहे हैं अलग-अलग देशों में। और अभी हम लोग कितने हैं दिख रहा, छठे हैं। ऐसे भूतों जैसे एक दूसरे के अंदर जा रहे हैं सब भी, अभी सब लोग एक दूसरे के अंदर है। गेम का पोजीशनिंग सिस्टम भी बहुत ही ऊपर नीचे कंफ्यूजन कर रहा है, कभी थर्ड कभी फोर्थ कभी सेकेंड, अभी फोर्थ हूँ मैं, अभी थर्ड अभी फर्स्ट, अब वापिस थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, डायरेक्ट फोर। एटलीस्ट टॉप से भी तो आना चाहिए। अभी फिफ्थ हूँ, नजदीक जाने की कोशिश करता हूँ उनके। अभी मौका है उनके आगे जाने का। वो अरे एक तो खुद ही उड़ गया जोर से साइड में ठोक के। और अभी थर्ड आ गए हम। फाइनल लैप, सेकेंड है, फर्स्ट आने की कोशिश करते हैं। फिनिश लाइन आगे ही है, ये आ रहा है वापस आगे और थर्ड आ गए। ठीक है थर्ड तो आ सकते हैं। और आ गए थर्ड, टॉप 3 में तो आ गए हम। अभी बाकी प्लेयर्स को रेस खत्म करने तक रुकना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी पार्ट HQ तक ही पहुँचाना पड़ेगा। लगा ही नहीं सकते अभी गाड़ी को, वैसे हम हमारी गाड़ी है ही नहीं ये। अरे
गाड़ी बदल गई, ये गाड़ी मिलती तो अच्छा रहता। हाँ बाइकर आ गया। अरे बाप रे, बहुत काम करना बाकी है यूबीसॉफ्ट को इस गेम पे। और एक करते हैं पीवीपी रेस, इस बार ये वाला करते हैं स्नेक बाइट। परफेक्ट वाली गाड़ी लगेगी इसको। अरे वो बाइकर तो वो कैसा नाच रहा है, बाइकर पे ध्यान दो आप। अरे बाप रे, रेस चालू क्यों नहीं हो रही है? अभी गेम रैंडमली सिलेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने जो सिलेक्ट किया था उसमें तो कोई आया नहीं। और डेटोना रन सिलेक्ट किया है गेम ने। फर्स्ट टेक वाली गाड़ी लगेगी उधर, और अभी गेम ग्रेस थोड़ी देर में चालू हो जाएगी। जीतनी है ये रेस। अरे डॉज वाइपर SRT है सब। पहली बार मैं ये गाड़ी चलाने वाला हूँ इस गेम में, मतलब बहुत नई गाड़ियाँ आई है ये गेम में, ये गाड़ी नहीं थी द क्रू में, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखी। हमने तो नहीं खरीदी थी और किसी बॉस के पास भी नहीं थी। तो ये रेस जीतनी है, दूसरा या तीसरा के नहीं चलेगा, पर देखते हैं। ये ऑनलाइन प्लेयर ये बहुत अच्छे चला रहे हैं, पूरी कोशिश करूंगा मैं फर्स्ट आने की। गेम के हिसाब से मेरा नाम तो दिख रहा ही नहीं है, फर्स्ट पोजीशन ही दिखा रहा है। अरे नहीं, सिर्फ यूनो ट्यान का पोजीशन दिखा रहा है, फर्स्ट पोजीशन नहीं। सिर्फ मतलब पोजीशनिंग सिस्टम पे भी काम बाकी है यूबीसॉफ्ट का। और उस सिर्फ उसका ही क्यों दिखा रहा है मुझे पता नहीं। और पर्स पे की गाड़ी होके भी बहुत ही बेकार हैंडलिंग है इसकी। वो डर्ट कार की तो बहुत ही अच्छी हैंडलिंग थी, वो दे देते तो अच्छा रहता। वो तो वैसे भी अपनी खुद की गाड़ी थी उस रेस में जो इस्तेमाल की थी हम लोगों ने वैसे बनाई थी वो। और एक रेसर है इसमें पीछे ही, वो हमारे कुछ 500 यार्ड पीछे। एटलीस्ट टॉप 3 में तो आ रहे हैं हम। वो दोनों तो मर्सिडीज F1 टीम जैसे भाग गए, एक हैमिल्टन और दूसरा रॉसबर्ग। लास्ट चेक पॉइंट, और 30 सेकंड में रेस कंप्लीट करनी होगी। सब ऑनलाइन रेसिंग गेम्स जैसा ही है, वो एक आखिरी प्लेयर बाकी है कुछ 500 यार्ड पीछे था। हाँ उसने भी खत्म की रेस।
थर्ड आए फोर्थ आगे बढ़ते हैं अरे एक बाइक आ गई कावासाकी दिख रही है निंजा बाइक्स भी इसमें इंट्रोड्यूस हो चुके हैं मैं बता दूँ तो आज के लिए इतना ही मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने फेसबुक या ट्विटर फीड पे शेयर कीजिए या हमें कमेंट या एक लाइक दीजिए तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।